वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी यूनिवर्स माय फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रेटेजी के बारे में है, साथ ही साथ उसका एक स्कैनर भी है इसमें। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उस पर भी आप ध्यान दें ताकि आपको ये स्ट्रेटेजी की मदद से अच्छा मुनाफा मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, आपको तीन लगातार ग्रीन कैंडल या तीन लगातार रेड कैंडल मिलनी चाहिए और तीनों का, जैसे यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, आपको तीन लगातार बुलिश कैंडल मिली है और तीनों का क्लोज, इसका क्लोज जो है अगली कैंडल के क्लोज से नीचे है, यानी कि पहली कैंडल का क्लोज अगली कैंडल के क्लोज से नीचे होना चाहिए और उसके ये जो अगली कैंडल का क्लोज उसके और अगली कैंडल से नीचे होना चाहिए, मतलब क्लोज जो है बढ़ते क्रम में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब बुलिश ट्रेंड को हमने पकड़ना है या बेरिश ट्रेंड को हमने पकड़ना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे तीन कैंडल आपको मिली तो तीनों का मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो आपने मार्क कर देना है। देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ये एक दो तीन कैंडल आपको मिली तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन मैंने लगा दी, ये मैक्सिमम हाई हो गया हमारा और ये हमारा मैक्सिमम लो हो गया। फिर हमने वेट करना है इस लेवल को ब्रेकआउट करने पे। तो इस लेवल का जो ब्रेकआउट, उसके ऊपर आप 10 पॉइंट का बफर जरूर लगाएं। बफर लगाने से ये होता है कि कई बार वहाँ पे कैंडल प्राइस जाके वहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो 10 पॉइंट का बफर लगाएं। तो जैसे कि ये था 608, तो आपने इसको 34,000 यहाँ पे देखिएगा 34,608, तो आपने 34,618 पे इसको इसका लेवल मान के चलना है और 618 जब भी ब्रेक होगा आपने बाई कर लेना है, यानी 618 पे आपने बाई करना है। तो जैसे आपने अब यहाँ पे देखा कि जैसे 618 पे आपने बाई किया मान लीजिए, तो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉफिट होता है। देखिए ये देखिए ये 618 ये मैक्सिमम आपका गया 483, 10 पॉइंट बफर और घटा दीजिए तो 473 पॉइंट्स का आपको इसमें बेनिफिट मिलता। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, और कोई लगातार ये देखिए यहाँ पे आपको तीन कैंडल आज ही के दिन, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल, तीन लगातार आपको बेरिश कैंडल मिली, हाई पे आपने मार्क किया और लो पे आपने मार्क कर दिया। देखिए अब क्या हुआ इसका, ये देखिए 973 यानी कि 932 973 यानी कि 32963 पे आपने सेल करना था, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे जो है 89 मतलब 900 को इसका लेवल को छुआ इसने, तो 60 पॉइंट्स का आपको देखे गया। अगर आप और ग्रीडी बनते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो 50-60 पॉइंट कोई कम नहीं होते बैंक निफ्टी में, 3-15 मिनट के अंदर आप ट्रेड से बाहर भी हो गए होते, तो ये इसका बेनिफिट है। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए ये तीन कैंडल बनी है, ये देखिए ग्रीन कैंडल लगातार आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इसका मैक्सिमम हाई है, ये मैक्सिमम लो है, तीन लगातार हाई बनी, इसका हाई देखिए देख सकते हैं आप 32,970, तो 32,980 पे आपने बाई करना था, ये देखिए कितना हाई मारा 32,980 पे आपने बाई करना था, ये देखिए 45 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखे गया, ठीक है 45 पॉइंट्स तो देखे गया, तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कभी बार आपको बहुत अच्छा, जैसे कि यहाँ पे 400 पॉइंट मिले आपको, कई बार हो सकता है कि कम भी मिले लेकिन मिलेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है,
कि जैसे आपने तीन बुलिश कैंडल आपको मिल गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि तीन बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता बल्कि लो ब्रेक हो जाता है, तो उस समय आप शॉर्ट कर दीजिए। आप दोनों में से जो भी लेवल पहला ब्रेकआउट आपको मिले उसमें आप चले जाइए। अगर ये लो टूट जाता है इसका, तो आपने पुट लेनी थी या फ्यूचर्स शॉर्ट सेल करना था। और कोई आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ये कल का है। देखिए ये देखिए, ये पहला, ये तीन कैंडल लगातार बनी। देखिए यहाँ पे आपने शॉर्ट सेल किया होता, ये देखिए इसका है 521, मतलब 511 पे, 35 35 511 पे आपने सेल करना था। आप देखिए, आपको मैं प्राइस लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए प्राइस रेंज, ये टूल का इस्तेमाल करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आपको कितना प्रॉफिट होता है, ये देखिए यहाँ पे 413 पॉइंट, 400 पॉइंट मान के चलिए। तो कई बार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, आप ये मान के चले। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, इस प्राइस रेंज को हटा देते हैं। और ये देखिए, ये देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, देखिए तीनों की क्लोजिंग एक के ऊपर एक है, यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में है, बेरिश में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लोजिंग होनी चाहिए। ये देखिए ये हो गया। अब इसका हाई देखिए, आप हाई देख रहे हो, 275, मतलब 285 पे बाई करना था बफर लगा के। अब प्राइस लगा देता हूँ, ये देखिए 274 पॉइंट्स, यानी 250 पॉइंट तो मान के चलिए। तो इस तरह से आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ये चार्टिंग, ये हाँ दूसरी एक चीज़ बताना भूल ही गया दोस्तों, तो ये investing.com की साइट है, इसमें मैंने इंडेक्स का चार्ट, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का चार्ट लिया है, 5 मिनट्स कैंडल स्टिक, नॉर्मल कैंडल स्टिक, कोई इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने ये आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जिसका कि नाम है 3 बेरिश और बुलिश 5 मिनट्स कैंडल्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। 3 मिनट्स बैंक निफ्टी बेरिश एंड बुलिश बैंक निफ्टी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, तो इसको ध्यान दीजिए आप। कई बार क्या होगा कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये तीन कैंडल, ये देखिए ये तीन कैंडल बनी थी लाल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये कई बार उल्टा भी होता है, ये देखिए यहाँ पे ये तीन बनी। अब तीन बनने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहीं तक, फिर यहाँ से रिवर्स हो गई। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये ब्रेक नहीं होता लो, वैसे हमने लो पे उसको करना था। ये देखिए यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का बफर भी आपको बचा रहा है, देखिए थोड़ा सा बाहर आया था। ये जो आपका लो है ये कितना है, 916, और ये भी आपका 906 है, देखिए 10 पॉइंट एग्जैक्टली 10 पॉइंट यहाँ से देखिए ये रिवर्स हो गया। तो मतलब 10 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 10-15 पॉइंट पकड़ लो। कई बार ये देखिए, अगर आपका 10 पॉइंट भी था तो 10 पॉइंट से नीचे नहीं आया, तो ये यहाँ से आपने इसको बाय करना है, यहाँ से इसके हाई से। तो देखिए अगर हाई से बाय करते तो आप 35 100 पे, तो ये देखिए कितना हाई गया, 545, 445 का आपको यहीं पे फ़ायदा हो गया। तो कई बार रिवर्सल भी हो जाता है, तो कृपया इसमें ध्यान दें। बफर जरूर लगाना 10 पॉइंट का, 10 क्या 12 पॉइंट 15 पॉइंट जो भी आप लगा सकते हो लगाना, और कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट जरूर रखें, और स्टॉप लॉस भी वही हिसाब से रखें। अगर 50 पॉइंट का आप टारगेट रखते हो तो 25 का स्टॉप लॉस रखें, 100 का रखते हो तो 50 का रखें, 200 का रखते हो तो 100 का रखें। इस तरह से आपने काम करना है, आपका जितना रिस्क एपेटाइट हो उस हिसाब से काम कीजिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। और ये स्कैनर भी आपको दे रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी 3 5 मिनट्स कैंडल्स अपसाइड एंड डाउनसाइड ब्रेकआउट स्कैनर, और ये स्ट्रेटेजी का नाम है बैंक निफ्टी 3 5 मिनट्स कैंडल अपसाइड एंड डाउनसाइड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ये मैंने कंडीशंस लगा रखी है, ये बाय कंडीशन है ऊपर की,
और ये नीचे जो है ये सेल कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पासेस एनी ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों का कोई भी कंडीशन अगर फॉलो करता है तो आप बाय सेल, तो दोनों हमें इंडिकेशन मिल जाए। और ये हमारी बैक टेस्ट रिपोर्ट है यहाँ पे, जो भी सिग्नल्स मिले उसकी। तो ये जो लंबे डंडे जो बने हुए लंबे बार्स हैं, तो उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों एक ग्रुप में आते हैं इंडेक्स के, तो इस वजह से ये दोनों दिखा रहा है। हमें काम करना है सिर्फ बैंक निफ्टी पे, निफ्टी में मैंने ट्राई नहीं किया है। ये देखिए बैंक निफ्टी भी आता है, लेकिन इसमें बैंक्स ही दिखेंगे, इंडेक्स नहीं दिखाएगा, ये बैंक्स दिखाएगा। तो इस वजह से ये ग्रुप में मैंने उसको लिया है और इससे स्कैन्स आ रहे हैं। तो आपको मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला आया था, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 11:20 पे, यहाँ पे देखते हैं 11:20 पे 7 तारीख को, 11:20 पे ये 25, ये देखिए 11:20 पे। अब आप 11:20 पे इसका हाई देख सकते हैं आप, 33,009, तो यानी कि 20 मान लीजिए इसको, 20 यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और आपको कितना देखे गया, 100 पॉइंट देखे, 125 गया 33,125, तो 100 पॉइंट आपको देखे गया। तो इस तरह से आपको इस पर काम करना है। आप मार्क कर लीजिए, मैं मार्क करके नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी कारण आपको नहीं बता पा रहा हूँ। दूसरा ये एक और देख लेते हैं कोई, ये देखिए बैंक निफ्टी की 1:50 पे आज की तारीख, आज ही के दिन की 1:50 पे, 1:50 पे कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखते हैं, इसमें छोटा दिखता है चार्टिंग के, इसलिए मैं 1:50 ये वाला होगा नहीं, ये 55, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका 1:50 पे, ये देखिए 3 bearish कैंडल बनी है और इसका लो कितना है 542 या 32532 पे आपने सेल करना था, और ये देखिए 387 गया, आप देख लीजिए 120, 150 पॉइंट आपको देखेगा। और एक आध एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ कोई, ये 4 तारीख का 1:25 पर यहाँ पे देखते हैं, सॉरी 4 तारीख का ये है, 4 तारीख का 1:25 ठीक है, सॉरी 4 तारीख का 1:25 ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, देखिए 1:25 से 3 bullish कैंडल बनी है, लेकिन क्या हुआ देखिए, यहाँ से तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये देखिए 61 यानी 71 पे आपने बाय करना था, ये कितना गया 95, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 100% कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन आपको अगर लगातार इस पर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो एक आध और दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस, तो इसको बैक टेस्ट करें आप। जिन भाई लोगों को स्ट्रेटेजी चाहिए हो, मतलब ये स्कैनर चाहिए होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन करके INEDGSCANNER टाइप करके अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ईमेल पे। ये देखिए 4 तारीख का 11:05 ये रहा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 इसका लो है 110
और ये बगल वाली ने कितना बनाया, 110। देखिए यहाँ पे भी 13 पॉइंट का वो कर रहा है, इसलिए आप जो है इसको, मैं तो बोल रहा हूँ 20 पॉइंट रखिए बफर, सीधा सीधा 20 पॉइंट रखिए 20, नहीं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। ये देखिए अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये बेरिश बना, लेकिन इसके बाद ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, तो इसका हाई पे बाई करना था। 20 पॉइंट पकड़िए, चलिए 20 पॉइंट पकड़िए, तो ये कितना है 246 हो जाएगा। तो 246 पे भी आप अगर आप बाई करते हो, आप देखिए यहाँ पे 246 से ये देखिए कितना गया है, ये 247 700-800 पॉइंट देखे गए आपको, तो 20 पॉइंट रखिए ध्यान नोट कीजिएगा। पहले मैंने आपको 10 बोला था, 15 भी बोला है, लेकिन 20 रखिए, 20 आप सेफ साइड रहोगे, सेफ साइड रहोगे आप कहीं भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 3 मिला, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे ये 3 बेरिश ही है। देखिए इसका ये क्लोजिंग जो है, देखिए इसकी क्लोजिंग कितनी है 405, और इसकी क्लोजिंग कितनी है 407। थोड़ा सा यहाँ मार खाया, लेकिन बेरिश ही है ये। देखिए यहाँ से भी जाता तो यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट। ये देखिए 3 बुलिश है, यहाँ पे रिवर्स हो गया, देखो रिवर्स भी नहीं हुआ, आगे जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसने यहाँ पे, ये देखिए। तो इस स्कैनर की मदद से आप को सिग्नल्स मिल सकते हैं, ये नोट कीजिए। बैंक निफ्टी 3-5 मिनट कैंडल्स, अप साइड एंड डाउन साइड ब्रेकआउट स्कैनर। जिन भाई लोगों को स्कैनर बनाना आ जाता है चार्टिंग पे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं और ख़ुद अपना उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपके समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इसको पहले बैक टेस्ट करें, एक्चुअल मार्केट में जब मार्केट चल रही हो तो तब उस समय इसको देखें स्वयं, और इस पर पेपर ट्रेड करके उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसी अनुरोध के साथ कि आप लोग, जो लोग ने पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, जो आपके काम आ सके आने वाले भविष्य में, ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा। बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करता हूँ जो अभी तक आपने यूट्यूब में नहीं देखे हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, यही आपसे अनुरोध है। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो धन्यवाद, जल्दी ही मिलूँगा अगली वीडियो में।